यहाँ पर जो है हम लोगों ने यू टर्न लिया है और अपनी गाड़ी की यहाँ पर अगर आपको रीडिंग हो तो अराउंड 5 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 1483 यहाँ पर रीडिंग हो चुकी, जो रीडिंग हो चुकी है वो यहाँ पर 88 हो चुकी है, मतलब अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर 10 किलोमीटर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर रिव्यूज़, और ये है अपने सामने ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 2024 का। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस एक्टिवा की, तो आज जो है हम इस वीडियो में इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। सो क्या माइलेज हम इसमें हमें देखने को मिलने वाला है हाईवे के ऊपर। सो जो अपना हाईवे है वो बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, तो इसमें हम लोग जो है अपना पेट्रोल को डालेंगे और उसमें जो है हम लोग इसका एक माइलेज टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ स्कूटर के बारे में। उसमें हमें 110 cc इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस कर देता है अराउंड 8 bhp और 7 Nm का इसमें अराउंड में टॉर्क मिल जाता है। सो पावर वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, माइलेज का काफ़ी इशू आता है एक्टिवाज में। तो आज जो है हम इसका एक एक्टिवा का माइलेज टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ। ये अभी नया नया स्कूटर है, तो यहाँ पर अभी 1478 इसकी रीडिंग है, मतलब 1478 किलोमीटर ये चला हुआ है। और यहाँ पर जो है हम इसमें 250 ml पेट्रोल डालेंगे और उससे हम लोग इसका माइलेज निकालेंगे कि 250 ml पेट्रोल में अपना ये एक्टिवा कितना हमें माइलेज दे देता है। अगर आपको एक्टिवा 125 का माइलेज देखना है तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। और एंड टॉप जो है अपना सुपर स्क्वाड एडिशन, उसका भी मैंने माइलेज टेस्ट कर रखा है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हम लोग कैसे माइलेज टेस्ट करेंगे। तो 250 ml जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल इसमें हम लोग डालेंगे, और अभी ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से खाली है, इसमें हमें पेट्रोल बिल्कुल ही नहीं है। अभी यहाँ पर इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है, तो हम लोगों ने इसको साइड में लगा लिया है और मैं पेट्रोल साथ में लेकर के आया हूँ। सो हम लोग का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। सो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा ये गाड़ी। सो यहाँ पर ये केवल स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम लोग इसको आगे चलाएंगे तो ये बंद हो जा रही है। सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि EFI है तो हम इसके इंजन पे और इसके फ्यूल इंजेक्शन पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बिल्कुल खाली ही कर लिया समझ लीजिए। सो अब जो है हम लोग इसमें डालते हैं अपना 250 ml पेट्रोल। सो गाइस ये है वो 250 ml पेट्रोल, इसको हम लोग डालेंगे इसके टैंक में और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतने पेट्रोल पर अपनी गाड़ी कितनी चल जाती है। सो ये डालते हैं इसको पेट्रोल टैंक में। सो यहाँ पर जो है टैंक मैंने ओपन कर लिया है और मैं आपके सामने ही डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो है अगर आप लोग मान चले हैं बिल्कुल खाली ही हो चुकी है गाड़ी, तो इसको हम लोग डाल देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। बिना गिरे हम लोगों ने इस काम को तो कर लिया है और ये अपनी बॉटल पूरी खाली हो चुकी है। अब टैंक में जो है आप लोग मान लीजिए 250 ml पेट्रोल यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया है। चलिए अब इसको टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी की फिर से मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। 1478 है, मतलब 1478। अब 250 ml में कितनी चल जाएगी उसका हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं। सो गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और गाड़ी काफ़ी हमें स्टार्ट हो चुकी है, कोई यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं हुई। पेट्रोल अपना 250 ml है टैंक में और यहाँ से अब हम इस गाड़ी को लेकर के निकलते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया 110 cc का इंजन है, पावर की हमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। और अगर मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ, यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी हम लोग चलाएँगे 60-80 की स्पीड पर, और यहाँ पर अपनी जो स्पीड है वो वेरी करेगी एज द कंडीशंस जो कि हम लोग को देखने को मिलने वाली है रोड पे। तो अभी जो है हम लोग की गाड़ी 50 की स्पीड को टच कर चुकी है। अब यहाँ पर जो है पावर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पेट्रोल कम है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जैसी दिक्कत फील होने को नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं 60 पे क्रूज आर अभी तक, और जैसे ही हम लोग स्पीड डाउन और अप होती जाएगी 70 तक मैं इसको मैक्स वे करके जाऊँगा, उसके ऊपर हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है। और इससे जो है हम लोग को अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम लोग हाईवे पर 70-60 की स्पीड पर अगर एक्टिव को चलाएँगे तो हमें कितना माइलेज यहाँ पर मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो है 55 हो चुकी है और अपनी गाड़ी की स्पीड जो है अब 60 हो चुकी है। सो यहाँ पर जो है 60 को क्रूज़ कर लिया है गाड़ी ने। अब यहाँ पर जो है हम लोग अराउंड 5-5 किलोमीटर के बाद आपको एक स्ट्रेस पे आपको दिखाते रहेंगे कि रीडिंग कितनी हो गई है। बाकी यहाँ पर इंजन चेक लाइट ऑन है, तो वो अभी अपने आप ही ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर पेट्रोल के लिए वो जल चुकी है। जब हम इसका टैंक फुल कराएंगे 2-4 किलोमीटर के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है रोड की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं और बिल्कुल खाली रोड पर हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आप लोग को इसका वीडियो गाइड में शहर का माइलेज बताऊंगा कि फुल टैंक में ये सिटी राइड में कितना हमें माइलेज दे देती है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपनी गाड़ी फिर से 50 हो चुकी है। तो चलिए अब इसको करते हैं 60 की स्पीड पर और मैं आपको टाइम लेस में वीडियो को करता हूँ स्किप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बाकी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अमेजिंग आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। यहाँ पर जो है हम लोगों ने यू टर्न लिया है और अपनी गाड़ी की यहाँ पर अगर आपको रीडिंग हो तो अराउंड 5 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 1483 यहाँ पर रीडिंग हो चुकी है,
और गाड़ी अभी काफ़ी गंदी चल रही है, कोई यहाँ पर अभी सेक्टर पर फील नहीं हो रहा है। और गाड़ी अभी काफ़ी आगे तक काफ़ी अच्छी चलने वाली है, तो क्या कोई तो केवल 5 किलोमीटर हुए हैं। तो चलिए फिर से कर देते हैं एक टाइम लैप्स और आपसे मिलते हैं 10 किलोमीटर के बाद। जो रीडिंग हो चुकी है वो यहाँ पर 88 हो चुकी है, मतलब अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और 70 तक की स्पीड को मैंने यहाँ पर टच कर लिया था। अब जो है देखते हैं आगे कितनी और चल जाती है ये अपनी स्कूटी। गाइस यहाँ पर अराउंड 15 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, 1492 हो चुकी है, मतलब अराउंड 14 किलोमीटर यहाँ पर हो चुके हैं। और गाड़ी जो है यहाँ पर अब हमें झटके देना शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी 1-2 किलोमीटर और काफ़ी आसानी से चल सकती है, क्योंकि अभी जो है हम इस पर लोड नहीं डालेंगे, इसको 40 तक ही चलाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट आने वाला है वो मेन पॉइंट है कि कितनी और चल जाएगी अपनी गाड़ी बिल्कुल लो फ्यूल पे। अब यहाँ पर लो फ्यूल हो चुका है और 14 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब ये जो है रिजल्ट आपको काफ़ी यहाँ पर सरप्राइजिंग होने वाला है, जो इंजन चेक लाइट है वो ब्लिंक करने लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेट्रोल अपना गाड़ी में कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम 40 की स्पीड पर क्रूज़ करते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो कितनी चल जाएगी, और उसके बाद जो है हम लोग उसकी टैंक को करा लेंगे फुल, और यहाँ पर फुल कराने के बाद हम लोग देखेंगे फिर अपनी गाड़ी का शहर में क्या मैरिज है। अपनी गाड़ी की 50 स्पीड हो चुकी है और गाड़ी काफ़ी आसानी से यहाँ पर चल रही है, 1993 होने वाला है, मतलब और 15 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर इस गाड़ी से कंप्लीट करने वाले हैं। और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा रश है तो हम लोग ज़्यादा स्पीड को एक्सीड नहीं करेंगे। यहाँ पर और 55 की स्पीड भी अपनी चल रही है और मेरे हिसाब से ये 16-17 का यहाँ पर हम लोग को माइलेज मिलने वाला है 250 ml पेट्रोल में। और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूँगा कि यहाँ पर जो है हमें टोटल माइलेज कितना मिलने वाला है। और यहाँ पर अभी गाड़ी काफ़ी देर चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्का सा यहाँ पर गाड़ी में लैग आना शुरू हो चुका है यहाँ पर। और अब मैं आपको रीडिंग भी यहाँ पर साथ साथ दिखाता चलूँगा, अभी तो चलेगी गाड़ी करीब 1 किलोमीटर और यहाँ पर चल जाएगी। बाकी गाइस काफ़ी मैंने उसको ट्रेंड तरीके से आप लोगों वीडियो को शूट करा है। सो गाइस यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी 15.5 के आसपास यहाँ पर चल चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा रश भी है, और मैं जो है अब गाड़ी पर ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी ने झटके काफ़ी दे चुके हैं। और अब मैं आपसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ आपको लास्ट फाइनल रिजल्ट के यहाँ पर अपनी गाड़ी कितनी चल चुकी है। सो गाइस अब जो है अपनी गाड़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट रुकने को आ चुकी है और इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। इसको लगाते हैं साइड में और मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसकी मीटर पर रीडिंग, जिससे आपको एक अच्छा माइलेज टेस्ट मिल जाए। सो गाइस यहाँ पर जो है रीडिंग अपनी हो चुकी है अराउंड 1494.3, इसका मतलब है अपनी गाड़ी यहाँ पर चल चुकी है 16 किलोमीटर 250 ml पेट्रोल में। तो उसके हिसाब से अपना जो फ्यूल इकोनॉमी आती है 1 लीटर वो 64 km/h की आ जाती है हाईवे के ऊपर। बाकी आप लोगों ने देख लिया मेरा ड्राइविंग स्टाइल वगैरह, अगर आप लोग इस तरीके से अपनी गाड़ी को हाईवे पर लेकर के चलाएंगे तो आपको अराउंड 60 का माइलेज तो काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। बाकी ये फुल टैंक पर आपको सिटी राइड में दे देती है अराउंड 225 से 235 की रेंज, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर आप लोग फुल टैंक कराएंगे तो आपको सिटी में 230 तक तो गाड़ी काफ़ी आसानी से चल जाएगी। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोग आने वाली किसी भी वीडियो को हमारी मिस ना करें। बाकी गाइज मैंने आप लोग को बता दिया है NPC आपको मिल जाएगा लिंक अपनी एक्टिवा 125 वाले माइलेज टेस्ट को, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंटोर्क का माइलेज टेस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोग ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पर हमें काफ़ी इजीली मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल रहा होगा, तो जाइए हमें वहाँ पर भी फॉलो करिए।